कर अरे प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर, सब नाश कर जन गाति हरि हरिहंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा लिखित यह योग सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। अध्यात्म के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में इस योग सार ग्रंथ का नाम है, क्योंकि अध्यात्म की जैसी चर्चा इस ग्रंथ में देखने को मिलती है, वैसी अन्यत्र मिलना बहुत दुर्लभ दिखाई देता है। मैंने पहले भी कहा है, ये वो ग्रंथ है जिसकी प्रत्येक गाथा में आत्मा की चर्चा है। आत्मा की चर्चा है माने अपनी चर्चा है, माने यहाँ सब जगह पर सिर्फ मेरे ही गीत गाए हैं, सिर्फ मेरी ही चर्चा की गई है। ये वो ग्रंथ है जिसमें अप्पा सो परमप्पा की बात कही है, आत्मा ही आत्मा ही परमात्मा। परमात्मा। माने इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि आचार्य देव मुझे आत्मा नहीं परमात्मा देख रहे हैं। इससे बढ़कर मेरा क्या अभिनंदन हो सकता है, क्या सम्मान हो सकता है कि कोई मुझे भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। और मेरा यह सम्मान भी किसी सड़क चलते व्यक्ति के माध्यम से नहीं है, वीतरागी संत छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत के माध्यम से मेरा ये अभिनंदन हो रहा है। और ये भावलिंगी संत भी कहते हैं कि हम ऐसे ही तेरा अभिनंदन नहीं कर रहे, तू वास्तव में है ऐसा, तो विकल्प मत कर कि कितना बड़ा चढ़ा करके मेरी तारीफ कर रहे हैं, जबरदस्ती ऐसे चढ़ाओ मत मेरे को। कभी कभी होता है ना ऐसा, कोई व्यक्ति बहुत तारीफ कर रहा हो तो हम कहते हैं चढ़ाओ मत जबरदस्ती हमारे को। अरे भाई, हम चढ़ा नहीं रहे हैं, तो सच में परमात्मा है। सच तो ऐसा मत समझ कि हम तेरे को बड़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं, या तेरी जबरदस्ती है नहीं और तारीफ कर रहे हैं, जैसे कंपाउंडर को डॉक्टर कह करके पुकारे। तो ये ऐसा नहीं है, तू संसारी हो और तेरे को मुक्त कह करके पुकारे, ऐसा नहीं है। तू सम्यक दृष्टि हो और मुनि कह करके पुकारे, ऐसा नहीं है। तू मुनि हो और अरहंत कह देवे, तेरी मुनि अवस्था हो और सिद्ध कह देवे तुझे, ऐसा नहीं। तू भाभी वर्तमान नेगम में, अरे भावी नैगम नय की बात नहीं है, ये तो वर्तमान की बात वर्तमान है। में ही है। क्या माने भावी नैगम नय से तो बात ही बदल गई, भावी नैगम नय से तो क्या बात करें, भावी नैगम नय से तो सभी सिद्ध होंगे, वो बात नहीं है। यहाँ यहाँ तो कह रहे हैं वर्तमान में कि साहब द्रव्य दृष्टि से कहो। अरे तू तो फिर विकल्प करता है, पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि का भेद क्यों करता है? ये भेद करने लायक नहीं है, ये भेद खड़ा करने लायक नहीं है। आज तक अनादि काल से हमने द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि का जो भेद किया है, उस भेद की वजह से हमारे को परमात्म पद की प्राप्ति नहीं हुई। अरे इस भेद खड़ा करने से सम्यक दर्शन भी नहीं होता, इसलिए ऐसा भेद भी नहीं करना। जिसकी दृष्टि में ये भेद मिट गया है, बोले जो मैं हूं वही परमात्मा है, जिसने ऐसा स्वीकार किया है, उन्हें समझ लो आप चौथा गुणस्थान हो गया उसका। हूं परमात्मा छू, ये यहीं से निकली है गुरुदेव की बात, इस योग सार ग्रंथ से। हूं परमात्मा छू, तमें परमात्मा छो, बद्धा जीव परमात्मा छे, सब परमात्मा है। और देखो ये सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है, सच में परमात्मा स्वयं को भी अनुभव करते हैं और जगत के सभी जीव भी परमात्मा ही दिखते हैं। हमने कह दिया बस, कहना नहीं मानते हैं। आपका व्यवहार होता है क्या दूसरे जीव के साथ में ऐसा परमात्मा जैसा? इन सब जब चर्चा चलती है, स्वाध्याय में आकर के बैठते हैं, सब सब परमात्मा है, सब परमात्मा है कह रहे हो, परमात्मा कह रहे हो, लेकिन जब किसी के साथ में व्यवहार होता है तो क्या तुम उसे परमात्मा मानते हो? कोई अपने को हीन दिखाई देता है, कोई अपने को महान दिखाई देता है, इसका मतलब ये भेद तो तुम्हें दृष्टि में दिखाई दे रहा है, तुम कहाँ परमात्मा मान रहे हो?
परमात्मा मानने का मतलब तो ये है, छोटा बड़ा नहीं दिखे कोई, सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इस मान्यता का नाम है सबको परमात्मा मानना। जो अपने आप को परमात्मा स्वीकार करता हो उसे जगत के जीव परमात्मा दिखते हैं, जो अपने आप को संसारी मानता हो उसे जगत के जीव परमात्मा कैसे दिखेंगे। तो ये तो दर्शन करना भी नहीं आता, अभी सच में परमात्मा कौन है इस बात की स्वीकृति भी तुझे नहीं है कि नहीं साहब मैं जानता हूँ वो चार घाती कर्मों का नाश कर दिया उन्होंने, वे अनंत बन गए, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, कि तू नहीं जानता है कि चार घाती कर्मों का नाश वे कर सकते नहीं है, वे बने बनाए परमात्मा थे और बने बनाए परमात्मा को उन्होंने पहचाना है इसलिए वे परमात्मा बन गए। ये सारी चर्चाएं यहाँ बहुत सुंदर ढंग से बतलाई जा रही है। 34 गाथाओं तक की हम चर्चा विगत दिनों में कर चुके हैं, बीच में दो दिन का अपना शिविर रहा। 34वीं गाथा में परभावों की बात कही थी, उनके परित्याग करने की बात कही थी और अपनत्व अपने आत्मा में ही करने की बात कही थी। ऐसा कहा कि वही जीव मोक्ष मार्ग में गमन करता है। अब देखिए बात कुछ अलग हटके कहते हैं कि साहब आप बार बार में आत्मा को ही जानने की कहते हो, आत्मा को ही जानने की कहते हो, क्या आत्मा के अलावा पदार्थ नहीं है क्या? दुनिया में तो बहुत वस्तुएं हैं, और हम तुम्हारी माने कि दूसरे आचार्यों की माने? सब आचार्यों ने 6 द्रव्यों की बात कही है। और योगेंद्र देव आप क्या आध्यात्मिक होंगे? आचार्य कुंद कुंद जैसे आचार्यों ने भी पंच परमागमों में 6 द्रव्यों की बात कही है, आप अकेले आत्मा आत्मा की बात कर रहे हो। पुद्गल भी द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल भी द्रव्य है, हम कैसे माने कि अकेले आत्मा ही है? आत्मा को जान लो, आत्मा को जान लो। अरे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को जानना पड़ेगा कि नहीं? तो ये कहते हैं हाँ हाँ जानना पड़ेगा, सब व्यवहार से कहे गए हैं, कुछ दम नहीं है। आचार्य कुंद कुंद नहीं, नहीं हम तो ये कह रहे हैं जिनदेव ने कहे हैं, जिनेन्द्र देव ने कहे हैं, लेकिन फिर भी वो व्यवहार है। देखिए बहुत सुंदर गाथा है आगे, व्यवहार से जिन देव ने 6 द्रव्य तत्वार्थ कहे, हे भव्य जन तुम विधि पूर्वक उन्हें भी पहचान लो। बहुत सुंदर बात कह दी। इसमें एक शब्द आ गया है विधि पूर्वक, व्यवहार से कहें, यद्यपि व्यवहार से जिन देव ने, परमात्मा ने, अरहंत परमात्मा ने, जिन देव कौन है? लोकालोक को जानने वाले, जो संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं, उन्होंने ये बात कही है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के माध्यम से नहीं कही है जिनके द्वारा कही गई बात काल्पनिक हो। यहाँ आप कह रहे हो 6 द्रव्य होते हैं, वो कहते हैं 9 द्रव्य होते हैं, आप कह रहे हो 7 तत्व होते हैं, वो कहते हैं 9 तत्व होते हैं, वो कहते हैं 6 तत्व होते हैं, वो कहते हैं 2 तत्व होते हैं, सांख्य मत वाले कहते हैं 24 तत्व हैं, पुरुष को मिला करके 25 तत्व मानते हैं, सब अलग अलग तत्व मानते हैं, अब हम क्या करें? ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, सब सब की बात नहीं चलेगी। यहाँ तो जिनेन्द्र देव की बात चल रही है, जिनदेव ने जो कहे हैं वो स्वीकार करो। कि क्यों, ऐसी क्या बात है जिनदेव के द्वारा कही गई में? जिनेन्द्र देव ने जो बात कही है उसमें ऐसी कौन सी विशेष बात है कि हम उसे माने? क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। ये सभी अपने आप को सर्वज्ञ कहते हैं, सारे जगत के जितने देवी देवता हैं सब कहते हैं हम पूर्ण ज्ञानी हैं, लेकिन उनका पूर्ण ज्ञान कैसा है? हरिहरादि सुनाए केशु, भक्तावर में जैसा प्रयोग किया, ऐसा है उनका केवल ज्ञान कि उनको खुद को ही अता पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे पूर्ण ज्ञान की बात है। दो घटनाओं का उल्लेख किया था ना कल, रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी की, ऐसी बहुत सारी प्रसिद्ध घटनाएं मिलती है, हरि हर और नायक, महादेव जी बहुत प्रसिद्ध हैं उनमें। एक प्रसिद्ध घटना इस प्रकार की घटी उन्हीं के जीवन में कि एक भस्मासुर नाम एक व्यक्ति था, वो उनके पास में आकर के उसने वरदान मांगा, क्या कि जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और ऐसा वरदान दे दिया उन्होंने महादेव जी कि तू जिस पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, वरदान दे दिया, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था
कि ये व्यक्ति आगे चलकर पार्वती पे ही मोहित हो जाएगा। पार्वती पर मोहित हो गया और महादेव जी के ऊपर ही सर पर हाथ रखने का प्रयास किया। फिर वो आगे भागते फिरे जो उनको भस्म करने के लिए, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, ऐसा वरदान दे दिया था। इस बात का यदि पहले से पता होता तो ऐसा वरदान ही क्यों देते। कैसा है उनका ज्ञान, ये बात ऐसे व्यक्तियों द्वारा कही गई नहीं है। हम रामचंद्र जी को भी भगवान मानते हैं, हम हनुमान जी को भी भगवान मानते हैं, किंतु उस अवस्था में नहीं जिस अवस्था में आप मानते हैं। हम जिन देव को मानते हैं, हम अरहंत राम के उपासक हैं, राजा राम के उपासक नहीं है। ऐसे शब्द लिखे दादा ने पश्चाताप में अंतिम अंतिम चरणों में। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये पूरा काव्य लिखा हमने और कोई दूसरे धर्म दर्शन वाले ये कहें कि साहब हमारे भगवान राम को आपने क्या कह दिया, ऐसा कैसे इतना हीन कर दिया उन्होंने, न्याय करना नहीं जानते, और ये पूरी चर्चा ऐसी है ना पश्चाताप में। तो उन्होंने अंतिम चरणों में स्पष्ट किया कि हम भी राम के उपासक हैं, लेकिन राजा राम के नहीं, भगवान राम के उपासक हैं। हम जिन देव के उपासक हैं, वे जिन देव कौन होते हैं, वे जिन देव सर्वज्ञ तो होते ही हैं, वे जिन देव वीतरागी भी होते हैं। उन्होंने जो छह द्रव्य और सात तत्व की बात कही है, ये छह द्रव्य और सात तत्व की बात उन तत्वों को और द्रव्यों को देख करके कही है। ये काल्पनिक बात नहीं हो सकती है, ये परमार्थ है, ये सच्ची बात है, ये वास्तविक बात है। तो फिर साहब यहाँ तो व्यवहार कह रहे हो आप, भेद करके कहा इसलिए व्यवहार। जिन देव ने जो छह द्रव्य और सात तत्व कहे हैं, कि व्यवहार से कहे, जानने के लिए कहे हैं, हे भव्य जन तुम आत्मा को तो जानो और विधि पूर्वक उन्हें भी पहचानो। जैसा हम विधि नहीं समझे, छह द्रव्यों को पहचानने की क्या विधि है, सात तत्वों को पहचानने की क्या विधि है, आप जानते हैं इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं। अखिल भाई उनका यथार्थ स्वरूप पहचानना, एक बात तो ये हो गई, ठीक है, यथार्थ स्वरूप पहचानना, और क्या विधि हो सकती है उनको जानने की, छह द्रव्य सात तत्व को जानने की विधि क्या है। ये तो कह रहे हैं हे भव्य जन, तुम भव्य जन हो, जो सामने बैठे हैं जिनको उपदेश दे रहे हैं उनको कह रहे हैं हे भव्य जन, आप भव्य हैं, अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करने वाले हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे सभी संसार के दुखों का अंत होने वाला है, भव्य हो तुम, पात्रता दिखाई दे रही है। और भव्य कौन होते हैं ये पीछे लिखी है बात, ये भव्य है। तत्प्रतिप्रीति चित्ते नयेन वार्ताऽपि हि श्रुता, आपके चेहरे की प्रसन्नता इस बात को दिखा रही है कि वो पात्रता है आप में जो भव्य जीवों में होती है। जो लक्षण भव्य जीवों के होते हैं वे लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं, हम में दिखाई दे रहे हैं, हम भव्य हैं। ये जिन देव हमारे लिए कह रहे हैं, ये योगेंद्र देव हमारे लिए कह रहे हैं, लेकिन पता है उस भव्य शक्ति की, उस भव्यता की व्यक्तता कब होगी, उस भव्यत्वपने की प्रकटता कब होगी, जब तुम छह द्रव्य और सात तत्वों को विधि पूर्वक, हिसाब हम जानते हैं, हमने बालभूत पाठ वाला भाग दो पढ़ी है, छह द्रव्य वाला पाठ पढ़ा है, हमने भाग तीन में भी छठा पाठ पढ़ा है, द्रव्य गुण पर्याय वाला हम जानते हैं बहुत बराबर। छह द्रव्य कौन कौन से हैं, एक जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, सब पहचानते हैं। कि नहीं नहीं तुम छह द्रव्यों को पहचानते हो लेकिन विधि नहीं जानते। ये सब विधि बताओ ना क्या है, कि विधि ये है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, विधि ये है कि छह द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, विधि ये है कि छह द्रव्यों में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसे पहचानने का नाम है विधि पूर्वक पहचानना। 35 गाथा नंबर 35 चल रही है, 35 नंबर गाथा, विधि पूर्वक पहचानो। इसका मतलब क्या है, हिसाब हमने जान लिया, क्या जाना, कि पुद्गल द्रव्य को जान लिया, ये क्या जानते हो कि जीवों और पुद्गलों को चलने में सहयोगी होता है, चलाता है। अधर्म द्रव्य को पहचान लिया, जीवों और पुद्गलों के गमन पूर्वक स्थिति में सहयोग करता है। आकाश द्रव्य को पहचान लिया, सबको जगह देता है। काल को पहचान लिया कि सबको वर्तना परिवर्तन कराता है। कि तुमने बहुत गलत पहचाना है, विधि पूर्वक पहचानने की बात चल रही है। ये विधि क्या है, कि जीवों और पुद्गलों को चलाता हुआ दिखाई देने पर भी धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलाता नहीं है, ये विधि है।
धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को चलाते नहीं है, अधर्म द्रव्य जीवों और पुद्गलों को रोकते नहीं है, आकाश द्रव्य स्थान प्रदान करता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में रहता है, ये विधि है, इस विधि पूर्वक जानो। आकाश द्रव्य ने जगह दे रखी है, आकाश में अवगाहना नाम का गुण है कि हाँ आकाश में तो है ही। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में एक ऐसा प्रयोग किया, आकाश में अवगाहना नाम का गुण है, लेकिन धर्म द्रव्य में भी अवगाहना गुण है, अधर्म द्रव्य में भी अवगाहना गुण है, जीवों में भी अवगाहना नाम का गुण है और पुद्गलों में भी अवगाहना नाम का गुण है। क्या बात कर रहे हो साहब, हम तो सोच रहे थे कि उसी में ये सुनो, यदि आकाश में ही होता और धर्म द्रव्य में अवगाहना गुण नहीं होता तो तुम्हें लोक के बाहर रहना पड़ता, सब जगह धर्म द्रव्य है उसमें भी है ना। यदि जीव द्रव्य में अवगाहना नाम का गुण नहीं होता तो एक सिद्धों में अनंत सिद्ध कैसे आ जाते, अनंत सिद्धों में जैसे कैसे जाकर के सिद्ध मिल जाते। इसका मतलब यह है एक जीव के क्षेत्र में उस एरिया में दूसरा जीव आकर के रह सके, उस जीव में पहले वाले जीव में ऐसा अवगाहना नाम का गुण है। आप आकाश का गुण समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं, छहों द्रव्यों को जानो, छहों द्रव्यों के गुणों को जानो, उनको स्वतंत्र जानो, एक दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं है, भिन्न भिन्न है, एक का दूसरे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और छह तो जाति अपेक्षा से कहे हैं, एक जीव का दूसरे जीव से कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध है। इसका नाम विधि पूर्वक जानना है। ये पद्धति बतला रहे हैं सर, ये पद्धति समझ में आनी चाहिए हमारे को। हम सबको जानते हैं लेकिन मिलावट करके जानते हैं, बोले मिलावट का धंधा अच्छा नहीं है। जहां मिलावट है वहां बदसूरती है, और जहां मिलावट नहीं है वहां सुंदरता है। समय सार एकत्व सुंदर, क्यों है एकत्व सुंदर? क्योंकि सब अपने अपने में है इसलिए सुंदर है। ये वस्तु का सौंदर्य है, ये प्रत्येक वस्तु का सौंदर्य है, ये सृष्टि का सौंदर्य है। तुम्हें जो सुंदरता दिखाई देती है, गार्डन की सुंदरता दिखाई देती है, झरनों की सुंदरता दिखाई देती है, बाग बगीचों की सुंदरता दिखाई देती है, अरे असली सुंदरता यह है कि कोई किसी में मिला नहीं। असली सुंदरता यह है कि सब अपने अपने में है, हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। इसका नाम है विधि पूर्वक जानना। कोई किसी का काम नहीं करता, काम नहीं करता साहब, ये तो बहुत गड़बड़ बात है, फिर तो हमारे को सर्वेंट ही नहीं मिलेगा घर में काम करने के लिए। इतना बड़ा काम हम अकेले कैसे करेंगे, काम करने वाले तो चाहिए ना। ये तुम चिंता मत करो, कोई किसी का नहीं करता, लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करने में पूरी तरह से समर्थ है। प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, एक वस्तुत्व नाम का गुण है, सब अपना अपना काम करते हैं और काम करना बंद कभी नहीं करते हैं, ऐसा स्वरूप है। देखो क्या कहते हैं गाथा, वापस देखो। व्यवहार से जिन देव ने छह द्रव्य तत्वार्थ कहे, हे भव्य जन तुम विधि पूर्वक उन्हें भी पहचान लो। उन्हें ही नहीं, छह द्रव्य सात तत्व नहीं, जानना तो आत्मा को ही है क्या? लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने और आचार्यों को भी पढ़ा है, तुमने और ग्रंथों को भी पढ़ा है, इसलिए तुम्हारे चित्त में जो थोड़ा बहुत विकल्प खड़ा होता है, हम ये कहना चाहते हैं सुनो सुनो, उनको भी जान लो कोई बात नहीं, लेकिन विधि पूर्वक जानना। छह द्रव्य को जानने की विधि बतलाई हमने, छह द्रव्य स्वतंत्र है, एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे में मिले नहीं है, मिलावट का काम नहीं है। पंचास्ती काय की सातवीं गाथा याद करो, क्या कहते हैं पंचास्ती गाय की सातवीं गाथा में, अन्नोणम पविसंता, अन्य अन्य में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, दिनता उवासम अन्न अन्नस मेलनता भी है, मिले हुए दिखाई देते हैं। छह द्रव्य एक दूसरे में मिल गए हैं, घुस गए हैं, प्रवेश कर रहे हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। निच्चम सगम सहाहम न विजहंती,
कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, मिले हुए दिखाई देने पर भी एक दूसरे में मिलते नहीं है। अरे छह द्रव्यों के मूल स्वरूप को मिलने की बात तो छोड़ो, दो पुद्गल के परमाणु आपस में नहीं मिलते। ये पौद्गलिक प्रकाश का कल एग्जाम्पल दिया था ना, ये पौद्गलिक प्रकाश आपस में नहीं मिलता। आप सब्जी बनाते हैं और उस सब्जी में कितने मसाले मिलाते हैं, सब मिल जाते हैं ना एक दूसरे में। श्रीखंड का एग्जाम्पल दिया है। हाँ बोलो, क्या क्या मिल गया है? मिलता ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता है। आप सब्जी को खाते हुए ये नहीं बतला देते हैं मिर्च तेज है, तो मिर्च तो मिल गई थी उसमें, आपको मिर्च अलग कैसे दिख रही है? कि इसमें तो नमक डला ही नहीं है, कि आपने कैसे पहचान लिया कि नमक का अपना अलग अस्तित्व है, मिर्च का अपना अलग अस्तित्व है, काली मिर्च का अपना अलग अस्तित्व है, धनिये का अलग अस्तित्व है, सबका अलग अलग अस्तित्व है अपना अपना, और सब अपने अपने में है, और वो लक्षणों से हमें पहचानने में भी आ जाता है। पहचान पा रहे हैं कि नहीं आप उनको? सब द्रव्यों को स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता है उनकी, ये द्रव्यों की स्वतंत्रता है, ये स्वरूप की स्वतंत्रता है जो हमारे को पहचाननी पड़ेगी। इस विधि पूर्वक पहचान लो, ये ठीक है साहब, पहचान लिया हमने, कोई बात नहीं। अब जब द्रव्य की बात करेंगे तो हम जानेंगे कि स्वतंत्र है। ये कह रहे हैं द्रव्य कोई नहीं, तत्वों को भी विधि पूर्वक पहचानो, तत्वार्थ को भी विधि पूर्वक पहचानो। ये तत्व है, ये अर्थ है, ये जीव है, ये अजीव तत्व है, ये धर्म अधर्म आकाश काल नहीं, ये आश्रम है, ये बंध है, ये संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है। सब तत्वों को भिन्न भिन्न पहचानो, और तुम कौन हो? जब भिन्न भिन्न पहचानोगे तो अपने स्वरूप को पहचान पाओगे कि मैं कौन हूं। समझ में आ रही है बात? माने यदि आपने सात तत्वों को भिन्न भिन्न नहीं जाना तो फिर तुम ऐसा समझोगे मैं वही हूं रागी द्वेषी, तो कौन है ये गुस्सा करने वाला? मैं ही तो हूं। ये कहां उत्पन्न हो रहा है? गुस्सा किसको आता है? जड़ को तो आता नहीं, पुद्गल को तो आता नहीं, मुझे ही आता है ना गुस्सा, मुझे ही तो क्रोध आ रहा है ना। तो किसको पहचान रहे हो आप? आश्रव तत्व की चर्चा कर रहे हो और कह रहे हो यही मैं हूं। तुमने चर्चा किसकी की? क्रोध करने वाला, नाराज होने वाला, बिगड़ने वाला, गुस्सा करने वाला? नहीं नहीं साहब, मैं तो बहुत शांत हूं। अपने आपके स्वरूप को जो तुमने शांत स्वरूप समझा है, ये कहीं संवर तत्व की मिलावट तो नहीं है जीव तत्व में? मैं मुक्त हूं, परमात्मा मोक्ष में जाकर के विराजमान हो गए हैं, अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, ये परमात्मा है कि नहीं? नहीं, मोक्ष तत्व को अलग जानो और जीव तत्व को अलग जानो, और सात तत्वों को जब अलग अलग जानोगे तो निर्मल पर्याय भिन्न दिखाई देगी, विकारी पर्याय भिन्न दिखाई देगी, और जीव तत्व विकारी और निर्मल पर्यायों से भिन्न एक गायक तत्व दिखाई देगा। न मुझ में विकारी पर्याय है, न मुझ में निर्मल पर्याय है। पर्याय मात्र से पार यदि आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? छह द्रव्य और तत्वार्थों को विधि पूर्वक जानना पड़ेगा। क्या विधि है जानने की? एक बात कहें, एक और विधि है। बोले ये विधि भी वही है जो अब तक बतला रहे थे 34 गाथा में। ये तो दिल बहलाने के लिए हमने कह दिया कि छह द्रव्य सात तत्व को भी जान लो, लेकिन क्या होता है छह द्रव्य सात तत्व को जानना? जो अपने आत्मा को जानता है उसे छह द्रव्य और सात तत्व जानने में आते हैं। अपने आत्मा को जाने बिना ना छह द्रव्य जानने में आते हैं ना सात तत्व जानने में। कर लो कोई भी कोशिश, कितनी कोशिश करोगे आप जानने की? आप धर्म धर्म आकाश काल को वैसे नहीं जान पाओगे जैसे सर्वज्ञ परमात्मा जानते हैं। लेकिन किसको जानते हैं? आत्मा को ही जानते हैं, लोकालोक दिखते हैं। देखो खैर, विधि की चर्चा भी ये खुद ही कर रहे हैं आगे आगे 36 नंबर की गाथा में, 36, 37, 38 इन गाथाओं में ये विधि की चर्चा बतला रहे हैं। छह द्रव्य और सात तत्वों को जानने की क्या विधि है, क्या पद्धति है, उसकी चर्चा इन्होंने यहाँ की है। 36 नंबर गाथा पढ़ते हैं हम लोग। हे आत्मा बस एक चेतन, आत्मा ही सारे है, बस और सब है अचेतन, यह जान मुनि जन शिव लहे। क्या कह रहे हैं? हे आत्मा बस एक चेतन, चेतन आत्मा वही सारे है। छह द्रव्यों में, सात तत्व में,
चेतनता कहाँ है ये बतलाओ, कि सिर्फ आत्मा में ही चेतनता है, बस और सब है अचेतन, ये जानो। ये विधि है, ये विधि है। चेतन चेतन है, और सब बाकी के जो पांच द्रव्य और कहे हैं कि कुछ नहीं जानना है उनमें, क्या जीव जुदा उद्गल जुदा, बस जुदा जानना है, जुदा जानने का नाम जानना है, और कुछ नहीं जानना। मैं चेतन हूं और बाकी सब सब अचेतन है। दौलत राम जी ने नहीं कही ये विधि। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, क्या कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, ये सब जान लिया कि नहीं? नहीं, क्या जाना तूने? कुछ नहीं जाना। फिर जान लिया मैंने। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। उसको तो जाना नहीं तूने, सबको जान लिया, लेकिन जीव की चाल उन सबसे न्यारी है। मैं चेतन हूं। देखो, सारे जगत के पदार्थों में एक विशेषता है कि उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है कि वो जानने में आते हैं, और मैं एक ऐसा तत्व हूं जिसमें प्रमेयत्व ही नहीं ज्ञान नाम का गुण भी है। मैं जानता भी हूं, मैं जानने वाला तत्व हूं, मैं जान सकता हूं, ऐसा तत्व हूं, जान सकता हूं। इतना ही नहीं, प्रमेयत्व नाम का गुण भी है। आप सोचिए, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण तो हो और प्रमेयत्व गुण ना हो तो क्या होगा? सबको तो जानेगा लेकिन अपने आप को नहीं जान पाएगा, क्योंकि जानने का गुण है तो जानता हूं, लेकिन जानने में आने का गुण कि बोले वो भी है मुझ में, इसलिए मैं जान भी सकता हूं और जानने में आ भी सकता हूं। प्रमेयत्व गुण है ये, प्रमेयत्व गुण ये बतला रहा है कि हम अपने आप को जान सकते हैं। तू कहता है कि नहीं नहीं साहब, आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, आत्मा कैसे जानने में आ रहा है? क्या बात कर रहा है, आत्मा खुद ही ये कह रहा है कि मैं जानने में आ सकता हूं। वस्तु खुद पुकार पुकार करके ये कह रही है कि हे जीव, तू मुझे जान सकता है, प्रसन्न हो जाओ। अत्यंत प्रसन्नता की बात है। अब रंच मात्र भी खेद मत करो, क्योंकि हम जान भी सकते हैं और जानने में आ भी सकते हैं। ये दोनों विशेषताएं हैं, चेतन है। क्या कहा? आत्मा ही सार है, आत्मा ही सार है, ये उनकी पुकार है। ये उनकी पुकार है वीतरागी संतों की, भजन है ना। वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। कितना बड़ा उपकार है इन वीतरागी संतों का हमारे ऊपर, अनंत उपकार नहीं इन वीतरागी संतों का। वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। फिर कैसे हैं वे वीतरागी संत, उनकी चर्चा की दो लाइनों में। अंतर से राग छोड़ा बाहर से वस्त्र रे, अंतर से राग छोड़ा बाहर से वस्त्र रे, मौन खड़े ध्यान करे हाथ नहीं अस्त्र रे, देख उन्हें बार बार आता ये विचार है। क्या विचार आता है? सुख शांति का ये बताया भंडार है। अब देखो ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं आगे वाले छंद में, उस भजन में, भजन की पंक्ति बतलाता हूं। आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा, वीतरागी संत कैसे हैं हमारे। आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा, समरस में सने हुए लीन हुए आत्मा। और इस छंद की अंतिम लाइन जिसके लिए मैंने बात कही है, क्या कहा अभी दो लाइनों में, क्या कहा? आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा,
समरस में सने हुए लीन हुए आत्मा, अरे आत्मा ही सार है ये उनकी पुकार है, आत्मा ही सार है ये उनकी पुकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। आत्मा ही सार है, दादा की तो एक किताब का नाम है आत्मा ही सार है, आत्मा ही शरण है, सारभूत है आत्मा ही। सारे जगत में सब जग देखियो चांद, सारा जगत हमने देख लिया, सारा जगत हमने छान लिया, लेकिन जब देखा निज आत्मा इससे भला न कोई, जब देखा गया है भगवान आत्मा को इससे भला जगत में कोई नहीं है। सारे जगत में सारभूत, सार माने जानते हैं आप, सार माने हैं निचोड़, सार माने हैं निष्कर्ष, सार माने हैं प्रयोजन भूत, आत्मा ही प्रयोजन भूत है। हे आत्मा बस एक चेतन, आत्मा ही सारे हैं बस और सब है अचेतन, यह जान मुनि जन शिव लहे। ये जाना है जिन मुनिराजों ने मुक्ति की प्राप्ति कर ली है, यह जान मुनि जन शिव लहे। कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, ये आत्मा आत्मा आत्मा, क्या आत्मा आत्मा की गीत गा रहे हो आप, क्या होगा आखिर इस आत्मा को जानने से, जान भी लिया हमने आत्मा को, होगा क्या, हमें तो कुछ ऐसा उपाय बतलाओ जिससे हमारा कल्याण हो। इसी से तो होगा कल्याण, यानी नहीं ऐसा कल्याण हो जिससे कि हमारे घर गृहस्थी में शांति रहे, सारी लौकिक अनुकूलताएं हो, कोई ऐसा मंत्र बतला दो जिस मंत्र से हमारी सारी तबीयत ठीक हो जाए, घर में आपस में विवाद नहीं हो, बच्चे कहना मानने लग जाए, कोई तो ऐसा उपाय बतलाओ हमारा कल्याण हो, ऐसा कोई आशीर्वाद दो आप कि भैया ये वही आशीर्वाद है कि अब इस आशीर्वाद को सुनने के बाद में घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे तू अपने घर में आ जाएगा, सच्चे घर में आएगा, ऐसे घर में आएगा जिस घर में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तू यदि पर घर में रहेगा तो प्रॉब्लम हुए बिना रहेगी नहीं, घर से बाहर निकलते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कितनी भी अनुकूलताएं हो, 5-स्टार फैसिलिटी क्यों नहीं हो, लेकिन घर से बाहर निकले 7-स्टार में जाकर के रुको आप, लेकिन उसके बावजूद भी घर तो घर ही है, तो घर छोड़ के आए ना जयपुर से यहाँ डलास में। अरे नहीं नहीं निज घर ना ही पहचाना, अपने घर को तो पहचाना ही तूने, जाना ही नहीं तूने निज घर क्या है। ये कह रहे हैं उस आत्मा की चर्चा, उस सारभूत आत्मा की चर्चा, चेतन आत्मा की चर्चा और पांच द्रव्य जो कि अचेतन है उनसे भिन्न जान लेने पर, ये जितने मुनिराज है जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की है वो उस आत्मा को जान करके ही मुक्ति की प्राप्ति हुई है। तो चाहता है मुक्ति की प्राप्ति करना, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, उस कविता को पढ़ना एक बार बारीकी से पढ़ना, उसके अर्थ को समझना, उसको गहराई से देखना, क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, क्या कहा है बड़दादा ने, शुद्धातम है मेरा नाम। ये कविता 50 साल पहले लिखी थी उन्होंने, क्या बड़दादा की लिखी हुई कविता है शुद्धातम है मेरा नाम, और ये कविता लिखी थी उनके बेटे का नाम है शुद्धातम, शुद्धातम प्रकाश एसपी भारी, उसके लिए लिखी थी ये कविता, शुद्धातम है मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, फिर वो बालभूत पाठमाला के अंदर रख दी भाग एक में, और हम पढ़ते हैं तो सच में ये उनका नाम ही शुद्धातम नहीं है, उनके सुपुत्र का नाम शुद्धातम नहीं है, हमारा असली नाम भी शुद्धातम है। और हमारा काम, आपका क्या काम है, आपका क्या काम है कि साहब हमारा तो प्रिंटिंग का काम है, अरे नहीं भाई आपका क्या काम है कि भोजन बनाना हमारा काम है, घर का काम हमारा है, ऑफिस का काम तुम्हारा है, कि नहीं दोनों का काम मात्र जानना है। ये जिन्होंने जान लिया है वे मुनिराज, वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष शिव लहे मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। देखिए पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है, हर जीव मुक्त होना चाहता है, हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, प्रत्येक जीव का स्वभाव अंदर से ऐसा है कि वो मुक्त होना चाहता है। पराधीनता में रहते हुए उसे छटपटाहट होती है, जहां फाउंडेशन हो, जहां दबाव हो, जहां प्रेशर हो, कितना आकुलता होती है, टेंशन होती है यार, बहुत पीड़ा है उसमें। ये कह रहे मुक्ति, मुक्ति की प्राप्ति होती है शिव कल्याणकारी अवस्था, परम मुक्ति की अवस्था
कैसे होती है, किनको होती है? मुनिराजों को होती है, और यह जान करके होती है। क्या जान करके होती है? एक तो है चेतन आत्मा और दूसरा होगा पुद्गल, कि नहीं नहीं कि धर्म कि नहीं, अधर्म कि नहीं, अरे एक शब्द दो मुझसे भिन्न, बस अचेतन, इसके अलावा कुछ नहीं। यह जान मुनि जन शिव लहे, कितनी सुंदर बात कह दी है, संसार सागर से वे पार हो जाते हैं। इसलिए क्या करें बोलो, मुनिराजों का तो एग्जाम्पल दे दिया, अब तुम्हें उपदेश दे रहे, इसलिए तुम भी यही काम करो। क्या इसलिए जो काम मुनिराज ने किया है और जिस काम से मुनिराजों को मुक्ति की प्राप्ति हुई है, हे भव्य जीव तुम भी वही काम करो, और वही काम करो। ये बात आगामी गाथा में कह रहे, 37 नंबर गाथा देखो। ऐसा कहा निज आत्मा को जान लो, यदि छोड़ कर व्यवहार सब तो शीघ्र ही भव पार हो। कितनी सुंदर बात कह दी है। जिन देव ने ऐसा कहा, देखो योगेंद्र देव जानते थे किसी भी व्यक्ति की बात तब तक इतनी वजनदार नहीं होती है जब तक वो व्यक्ति खुद मौजूद होता है। वो कह रहा होता है ना, तो लोग कहते हैं हे तेरे जैसे बहुत आते हैं, तू कह रहा है थोड़ी ना मानेंगे हम, हमें तो कोई ऐसे व्यक्ति की बात बता जो पुराने किसी व्यक्ति ने कही हो। तो योगेंद्र देव जिस काल में थे और जब ये रचना लिख रहे थे, उस समय वे इस बात को जानते थे कि दुनिया में सामने जो लोग हैं वे कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जो मेरे डायरेक्ट कहने से मान लेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको श्रद्धा होगी वो मान लेंगे, लेकिन बहुत ऐसे भी होंगे, तुम मुनि है वैसा हम भी मुनि है, जैसे तुम संसारी हो वैसे हम भी संसारी हैं, और कई तो ऐसे भी होंगे जिनकी एज हमारे से ज्यादा होगी गृहस्थ दशा में। हम मुनि है, 35 साल की उम्र है मान लो, 40 साल की उम्र है, 45 की उम्र है, लेकिन गृहस्थों में कोई 60-70 वाले भी तो हैं, तो कहेंगे यार ये कल तक तो बच्चा है हमारे सामने, ये क्या है अभी तो मुनि बना है, और 10 साल पहले हमारे सामने हमने तो उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, इसकी बात क्या मानेंगे हम। वे जानते थे इस बात को, लेकिन ये कह रहे हैं मैं जो भी बात कह रहा हूं ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात समझोगे तो शायद श्रद्धा नहीं कर पाओगे, मेरी बात समझोगे तो शायद स्वीकार नहीं कर पाओगे, ये बात जिन देव ने कही है, ये बात जिनेन्द्र देव ने कही है, ये रागियों की नहीं वीतरागियों के द्वारा कही गई बात है, ये उन वीतरागी जिनेन्द्र देव के द्वारा कही गई बात है जो अकेले वीतरागी ही नहीं सर्वज्ञ भी हैं, और ये दो ऐसी यूनिक विशेषताएं हैं जो साथ में मिल जाती है तो 100% सत्य हो जाती है बात, वीतरागता और सर्वज्ञता, इतनी यूनिक है ये दोनों बातें। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वितरागता का और सर्वज्ञता का, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कही गई बात को 100% सत्य सिद्ध करता है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। इनमें से एक को भी कम कर दो, वितरागी नहीं है सर्वज्ञ है अकेले, कोई जरूरी नहीं कि जो बात कह रहे हो वो सच्ची होगी, राग द्वेष होंगे तो हो सकता है आप पता नहीं कुछ का कुछ कह दो, कोई भरोसा नहीं है आपका, जानने के बावजूद भी पता होते हुए भी आप गलत कह सकते हो क्या, कि नहीं नहीं साहब सर्वज्ञ तो नहीं है लेकिन वीतरागी है क्या, तो आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम्हें पता ही नहीं है तुम बताओगे क्या अकेली वीतरागता क्या करेगी, माने वीतरागी भी है और सर्वज्ञ भी है, सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते भी हैं, और वीतरागी होने से किसी प्रकार का कोई राग द्वेष भी नहीं है, इसलिए सही बात जानते हैं, और राग द्वेष नहीं होने से जो कहेंगे सही ही कहेंगे, ये बात जिन देव के द्वारा कही गई बात है, शंका मत करना इसमें। जिन वच में शंका न धार, जिनेन्द्र देव के वचनों में शंका नहीं, दौलत राम जी की छेड़वाला, कभी अवसर मिलेगा तो करेंगे चर्चा, छड़ाला चलाएंगे, इतनी मार्मिक है। जिनेन्द्र देव के वचनों में शंका नहीं, जैसा जिनेन्द्र देव कह रहे हैं उसे स्वीकार करना, हल्का ग्रंथ नहीं है, छोटा समयसार कहा है क्या, गुरुदेव छोटा समयसार कहते थे, गागर में सागर भर दिया है, सारे समयसार का सार आ गया है उसमें, सम्यक्त्व की जो महिमा बतलाई है, सम्यक ज्ञान की जो चर्चा की है,
व्रतों की जो चर्चा की है, मुनिराजों की जो चर्चा की है, भेद विज्ञान की जो चर्चा की है, मिथ्यात्व के ऊपर जिस प्रकार से चोट मारी है, हमें तो ऐसा लगता है चार गति के दुखों का वर्णन है साहब। क्या दम है, अरे छेड़ाला है, क्या क्या बच्चों की बात है, छेड़ाला चार गति के दुखों, किसने कहा चार गति के दुखों का वर्णन है छेड़ाला में? दौलत राम जी ने वो मार्मिक बात कही है छेड़ाला के प्रारंभ में कि चार गति में दुख नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप, चार गति में दुख नहीं है, ये कहां का है छेड़ाला में? भूल आपको भरमतवादी, यहां से शुरू करते हैं बात। नरक की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नरक में दुख नहीं है तो अपने आप को भूल गया है इसलिए दुखी है। नरक में जाने की वजह से दुखी है, सारा जगत छेड़ाला को पढ़ पढ़ करके कहे तिल तिल करे देह के खंड, असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तोपण एक न भूंद लहाए, तीन लोक को नाज झुकाए मिटे न भूख कणा न लहाए। बोलो सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी ज्यो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता थाए। सारा जगत नरक के इन दुखों की चर्चा कर रहा हो और इसके बीच में भी दौलत राम जी ये कहते हैं नरक का वातावरण तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। फिर साहब दुखी तो है नारकी ये सभी नहीं, भूल आपको, जो अपने आप को भूल गए हो वे नरक में क्या स्वर्ग में चले जाए तो सुखी नहीं है। माने दुख का कारण नरक नहीं है, दुख का कारण तो अपने आप को भूलना है, और अपने आप को भूल करके स्वर्गों में भी चला जाए तो दुखी है। भूल आपको भरमत भ्रमण कर रहा है, चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, दुखी है। यहाँ क्या कह रहे हैं, जिन देव ने ऐसा कहा, वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा के माध्यम से ये बात कही कही जा रही है। जिन देव ने ऐसा कहा निज आत्मा को जान लो, यदि छोड़ कर व्यवहार सब तो शीघ्र ही भव पार हो। क्या कह रहे हैं, जिन देव ने कहा है निज आत्मा को जान लो, आत्मा को जान लो ये नहीं, अब शब्दों में थोड़ा सा वजन दे रहे हैं, निज आत्मा को जान लो, क्योंकि दुनिया में आत्मा को जानने की चर्चा करने वाले भी कई लोग हो गए हैं आजकल। यहां तक कि कई वैज्ञानिक भी ऐसे हैं जो आत्मा को जानने की बात करने लगे हैं, आत्मा को पकड़ने की बात करने लगे हैं, लेकिन कहां पकड़ते हैं, अपनी आत्मा को नहीं, दूसरों की आत्मा को। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं कि वो ऐसा ग्लास का वो बनाया और उसके अंदर एक मक्खी और वे जानवर और किसी को, और हम देखते हैं कि अब ये मरेगी तो इसकी आत्मा कहीं पकड़ लेंगे अपन, उस आत्मा को फिक्स कर लेंगे, बांध दिया हमने आत्मा को। अब कई ऐसे तांत्रिक लोग भी हैं जो दूसरों की आत्मा को पकड़ने की बात करते हैं तंत्र मंत्र के माध्यम से, किसी में भूत व्यंतर आदि की बाधाएं ऐसी दिखाई देती हो तो ऐसे लोग मिलते हैं ना बहुत, जो आत्मा को कीलित कर देते हैं, आत्मा को पकड़ लेते हैं, आत्मा को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। ऐसे नहीं, इस प्रकार नहीं, दूसरों के आत्मा की बात नहीं है यहाँ, यहाँ तो कह रहे हैं अपनी आत्मा को जान लो। भाई साहब पर को जानने में पराधीनता है और अपने को जानने में स्वाधीनता है। पर को यदि आपको जानना होगा तो न मालूम कितने तरह के रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं उसमें, लेकिन अपने को जानना है, मैं जानने वाला और मैं ही जानने में आने वाला, कहाँ पराधीनता का काम है। क्या कहा, निज आत्मा को जान लो, अपनी आत्मा को जान लो। कि साहब कैसे जाने, कि सुनो छोड़कर व्यवहार, यदि छोड़कर व्यवहार सब सब व्यवहार को छोड़कर यदि आपने आत्मा को जाना है, निज आत्मा को जाना है, सारे व्यवहार को छोड़कर आत्मा को जाना है, तो अल्प काल में शीघ्र ही भव से पार हो जाओगे। अब ये व्यवहार छोड़ना मतलब क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा। यदि छोड़कर व्यवहार माने क्या चीज है, बोलो। ये कह रहे हैं एक अर्थ तो अभी अभी हमने बतलाया है 35 नंबर की गाथा में, व्यवहार से छह द्रव्य तत्वार्थ कह दिया ना हमने, और व्यवहार छोड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब छह द्रव्य से लक्ष्य हटाने की बात कर रहे हैं। सात तत्व कहे हमने, व्यवहार से जिन देव ने छह द्रव्य तत्वार्थ कहे, 35 नंबर गाथा में कहा व्यवहार से जिनेन्द्र देव ने छह द्रव्य कहे हैं और सात तत्व कहे हैं।
तत्वार्थ कहे, व्यवहार से कहे। और ये यहाँ 37 नंबर गाथा में कह रहे हैं छोड़ कर व्यवहार सब, वो सब व्यवहार से कहे थे और यहाँ कह रहे हैं छोड़ कर व्यवहार सब। तो फिर साहब अभी तो आपने जानने की बात कही थी कि इसीलिए जानने की कही थी, ये जानने लायक नहीं है। जानेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे, जानेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए और कैसे गहिए, बिना जाने हुए कैसे छोड़ेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे। ये 6 द्रव्य और 7 तत्व रूपी व्यवहार को छोड़ने की बात कर रहे हैं। 6 द्रव्य और 7 तत्व की तरफ से जो उठने वाला विकल्प है उस विकल्प को तोड़ने की बात कर रहे हैं। पुद्गल के संबंध में विकल्प नहीं, पुद्गल को पुद्गल जानो बस और कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो आप, इससे ज्यादा क्या। पुद्गल को पुद्गल जानेगा तो कोई विकल्प खड़ा नहीं होगा, और पुद्गल को पुद्गल नहीं जान करके एक को सुगंधित एक को दुर्गंधित जानेगा तो फिर उससे राग और उससे द्वेष खड़ा होगा। बोलो, ये जानने की विधि बतला रहे हैं। व्यवहार से जिनको कहा है उनको छोड़ दो, छोड़ कर व्यवहार, और फिर गुरुदेव की शैली में यदि बात करो तो फिर ये सब व्यवहार है क्या। व्रत शील संयम दान पूजा भक्ति आदि ये सब व्यवहार है, कुछ दम नहीं है। ये सब जड़ की क्रिया है, ये सब देह की क्रिया है, ये सब पराश्रित क्रियाएं होने से व्यवहार है। इनको व्यवहार क्यों कहा है, व्रत शील संयम आदि को व्यवहार क्यों कहा गया है, पराश्रित होने से व्यवहार कहा गया है, पर की क्रिया होने से व्यवहार कहा गया है, जड़ाश्रित क्रिया होने से व्यवहार कहा गया है। उपवास किया, व्रत किया, संयम का पालन किया, दान दिया, निश्चय से दान क्या हो सकता है बताओ। ये जो आपने दान दिया है ये तो जड़ की क्रिया है ना, लेने देने की क्रिया। और दादा ने तो कितना सुंदर तर्क दिया वो त्याग धर्म के प्रकरण में, देने वाला भी चाहिए और लेने वाला भी चाहिए। दोंगे किसको, साहब मैं दान देना चाहता हूं कोई मिल नहीं रहा है लेकिन किसको दूं। तो व्यक्ति चाहिए कि नहीं सामने। अच्छा, लेने वाला भी है और देने वाला मैं हूं, लेकिन क्या दिया जाना है वो वस्तु ही नहीं है तो क्या दोगे। तो फिर कैसे दोगे। दान इतनी पराधीन क्रिया है जिसमें 3 बातें चाहिए, देने वाला, लेने वाला और वस्तु। और त्याग इतनी स्वाधीन क्रिया है कि कोई पीछे संभालने वाला हो चाहे नहीं हो क्या फर्क पड़ता है। हमने त्याग दिया, त्याग के लिए यह भी अनिवार्यता नहीं कि वस्तु चाहिए। वस्तु नहीं हो उसका भी त्याग किया जा सकता है, अपने पास में नहीं हो उसका भी त्याग किया जा सकता है। ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, बाल ब्रह्मचारी, ये क्या किया कि शादी करने का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया कि पत्नी तो थी नहीं तो त्याग कैसे किया। नहीं करने का त्याग, नहीं ग्रहण करूंगा, इसका नाम त्याग है। दान की चर्चा हो चाहे उपवास की चर्चा हो चाहे व्रत शील संयम आदि की चर्चा हो, सब व्यवहार है। और ये कह रहे हैं छोड़ो, छोड़ो दान देना, क्या कह रहे हो, छोड़ो उपवास करना। ये व्यवहार छोड़ने की बात कह रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखो तो ऐसे लगने लगता है कह क्या रहे हो आप, छोड़ो उपवास करना, बहुत कर लिए उपवास, क्या बात कर रहे हो, छोड़ो व्रत आदि का पालन करना, बहुत कर लिया, साहब क्या बात कर रहे हो आप, छोड़ो भक्ति करना पूजन करना, बहुत कर लिए विधान, अब कोई विधान नहीं होगा, छोड़ो शास्त्र पढ़ना, बहुत पढ़ लिए, क्या बात कर रहे हो, कि व्यवहार है सब व्यवहार, इसलिए छोड़ने की बात कर रहे हैं। साहब सब छोड़ाओगे आप, कुछ तो धर्म ध्यान करने दो। अरे इसका नाम धर्म ध्यान है ही नहीं, जैसे तू धर्म ध्यान समझ रहा है। जिसको छोड़ने की हम बात कर रहे हैं, ये सब व्यवहार था, ये सब पर था, ये सब धर्म नहीं था, इसलिए छोड़ने की बात कर रहे हैं हम। व्यवहार छोड़ने की बात कर रहे हैं हम, धर्म छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। इस व्यवहार का नाम धर्म नहीं है, जिस व्यवहार को हमने धर्म समझ लिया है। हमने ऐसा समझ लिया ये धर्म हो रहा है, ये धर्म हो रहा है, ये धर्म हो रहा है, ये कह रहे छोड़ व्यवहार सब, सारे व्यवहार को छोड़ दे। यदि छोड़ कर व्यवहार सब तो क्या होगा साहब, आप सब छोड़ा दोगे देखो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कि नहीं नहीं तू चिंता मत कर, एक बार छोड़ करके देख तो सही, शीघ्र ही भव पार हो। क्या क्या छुड़ाओगे साहब हमारा, सब कुछ तो छुड़ा दिया है आपने, क्या खान पीन छुड़ा दिया है, सोसाइटी में उठने बैठने लायक नहीं बच्चे। लोग ऐसी शिकायत करते हैं भाई साहब, कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि जब से आपके साथ ये स्वाध्याय में आना शुरू किया है हमने, जब से आगे प्रवचन सुनना शुरू किया है हमने,
क्या हमारे सारे पार्टी में उठना बैठना सब सब छूट गया हमारा, सब छुड़ा दिया आपने। अब वहां जाते हैं तो भी एंजॉय नहीं कर पाते। कल कह रहे थे मेरे को अमित भाई, क्या ये क्या करें, वहां गए भी हम, वहां जाते भी हैं, लेकिन जाते हैं तो भी अब मजा ही नहीं आता हमारे को। ये सब क्या छुड़ा दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। वह आत्मा का रस ही अलग प्रकार का है। चढ़ती उम्र के सब रस नीरस हो जाते हैं, ये कह रहे हैं जब ये रस आता है। एक बार ये आत्मा का रस चढ़े तो सही। 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी दीक्षा लेकर के निकल गए। बोलो, वो आत्मा का रस, वो अतिंद्रिय आनंद का रस, वो रस जब आएगा तो ये व्यवहार का रस अपने आप ही छूट जाएगा। ये व्यवहार छोड़ना नहीं, छूट जाएगा। कब छूटेगा? छोड़ने लायक है, ये बात पहले समझ। पहले इस बात को स्वीकार करके छोड़ने लायक है। ये क्या कह रहे हैं, यदि छोड़ कर व्यवहार सब सब व्यवहार, ये सब थोड़ा बहुत तो रख लेने दो साहब, उपवास आदि छोड़ दी। पहले साहब मैं इतने क्रियाकांड में उलझा रहता था, आपको क्या बतलाऊं। पहले इतना बस इतने माला का जाप करता था, इतना ये करता था, इतना भक्ति करता था, विधान विधान तो इतने करता था जिसके हद नहीं है, बहुत ज्यादा। इतने अनुष्ठान में, इतनी क्रियाओं में प्रतिक्रमण करता था, ये करता था, जाप करता था, पाठ करता था, सामायिक पाठ बोलता था, इतनी क्रियाएं सुबह से लेकर के शाम तक मेरी चलती रहती थी, बहुत चलती रहती थी। और अब स्वाध्याय करता हूँ, अब ऐसा लगता है वो सब छोड़ दी, ये बस ये एक रहने दो बस। ये कह रहे सब छोड़ने लायक है, सब, एक भी नहीं, एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो बनाए रखने लायक हो, कुछ भी बनाए नहीं रखना है। छोड़ कर व्यवहार सब, तेरा जो अंदर में थोड़ी बहुत तन्मयता है इस थोड़े बहुत व्यवहार के प्रति, उससे काम नहीं चलेगा। ये सब व्यवहार छोड़ तो क्या होगा ये बताओ, मिलेगा क्या ये बतलाओ। सब छुड़ा करके दोगे क्या, कि पहले छोड़ विकल्प मत कर, कि मिलेगा क्या। शीघ्र ही भव पार हो, भव से पार हो जाओगे, ये मिलेगा भाई साहब, संसार के दुखों का अंत हो जाएगा, ये मिलेगा। तुम्हें पता नहीं है क्या चीज मिलने वाली है, तुम्हें पता नहीं है राई की ओट में पहाड़ है, तुम्हें पता नहीं है इस पर्याय के पार अंदर कौन बैठा है। ज्ञायक बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है, तीन लोक का नाथ बैठा हुआ है। राई की ओट में पहाड़ जैसा है, एक समय की पर्याय के पीछे वो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा तीन लोक का नाथ अनादि अनंत ध्रुव परमात्मा, वो एक क्षण मात्र की पर्याय के पीछे ओझल हो रहा है। क्या हो गया है, एक समय की पर्याय उत्पन्न होती है और उत्पन्न होती हुई पर्याय पर ऐसा मुग्ध हो जाता है कि उस पर्याय की ओट में क्या है, भगवान आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है। छोड़कर व्यवहार सब तो क्या होगा, शीघ्र अल्प काल में भावी निर्वाण भाजनम, अल्प काल में, अल्प काल में भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाज, ये भावी निर्वाण भाजनम का अर्थ ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी होगा, ऐसा नहीं है इसका अर्थ अखिल जी। ये भावी निर्वाण भाजनम का अर्थ ये ऐसा नहीं है भाऊ जी, क्या कि कभी ना कभी होगा। भव्य की व्याख्या तो हम ऐसी समझते हैं, कभी ना जो कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे उन्हें भव्य कहते हैं। सुनो, कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे ऐसे भव्य जीव तो 2 इंद्रियों में, 4 इंद्रियों में, नरकों में, ना मालूम कहाँ कहाँ रुल रहे हैं, असंगी पंचेंद्रिय है, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कभी न कभी जाएंगे। अरे हम तो रुचि पूर्वक चर्चा सुन रहे हैं, हम तो अल्प काल में जाने वाले हैं। ये शीघ्र, शीघ्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अब देर नहीं है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। आप तक क्यों भटक रहे थे ये बताओ, भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना, इसलिए भटक रहे थे। क्या करें, अपना वैभव देखा ही नहीं हमारे, दिखाई नहीं हमारे को, हमें अपना वैभव नहीं दिखाई दिया, हम अपनी संपत्ति को भूल गए। संपत्ति तो है हमारे पास में, वो रत्न, वो रत्न जिसके पास में पड़ा हुआ है और पहचान नहीं है। करोड़पति तो है, क्या
पहचानता नहीं है तो क्या हुआ। बहुमूल्य रत्न है ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, ऐसे बहुमूल्य रत्न अंदर में मौजूद हैं कि तू उनकी पहचान करे तो अभी माला माल है, अभी माला माल हो जाए। होना नहीं है, है अभी, बनना नहीं है, बना बनाया मौजूद है। भगवान बनना नहीं है, परमात्मा होना नहीं है, तू परमात्मा है तो अभी परमात्मा है, तू अभी ज्ञायक है। देख अपने आप को, देखना है, जानना है, पहचानना है, बस इतना सा काम करना है। छोड़कर व्यवहार सब तो शीघ्र ही भव पार हो, शीघ्र ही भव से पार हो जाएगा। देखिए आगे 38 नंबर की गाथा में ये जो बात इन्होंने यहाँ छेड़ी थी, कौन सी बात, कि तुम इनको जान लो। व्यवहार से जिनदेव ने छह द्रव्य तत्वार्थ कहे, 35 नंबर गाथा से जो बात शुरू की थी, व्यवहार से जिनेन्द्र देव ने छह द्रव्य कहे हैं, तत्वार्थ कहे हैं। हे भव्य जन, तुम किसी और से नहीं कह रहे, तुम क्या, हे जीव तुम जान लो, ऐसा नहीं, तुम जान लो कि कैसे जाने, कि विधि पूर्वक जान लो कि विधि क्या है, कि ये सब इन गाथाओं के अंदर बतलाया जा रहा है। उस विधि की चर्चा ये 38वीं गाथा के अंदर बहुत बारीक ढंग से, बहुत मार्मिक ढंग से उस विधि की चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या विधि है। जो जीव और अजीव के गुण भेद को पहचानता है वही ज्ञानी जीव, वही मोक्ष का कारण था। वो ज्ञानी है, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है? जैसा हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, अरे बहुत घूमते हैं ऐसे ज्ञानी, शास्त्र पाठी ज्ञानियों की बात नहीं है यहाँ। अपने आत्मा को जानता है कि नहीं, नहीं सब, वो तो नहीं जानता। समय सार का मर्म समझा सकता हूं मैं, क्या समझाएगा, तूने खुद नहीं नहीं जाना, क्या मर्म समझाएगा, मर्म कौन जानता है, ज्ञानी कौन है। पोथी पढ़ पढ़ भावरा ज्ञानी भयाने को, और ढाई अक्षर आत्म के पढ़े सो ज्ञानी हो। सबको तो जाना निज को न जाना, सब पढ़ लिया, सब जान लिया, खूब पढ़ा है, खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, बोले ये ज्ञानी का लक्षण नहीं, इसे ज्ञानी नहीं कहते। विधि क्या है छह द्रव्यों को जानने की? जीव और अजीव के गुण भेद को पहचानता। बोलो क्या कह रहे हैं? जीव को पहचानो और अजीव को पहचानो। ऐसा पहचान लिया हमने, अरे गलत पहचाना है तूने, गुण भेद से पहचान। मैं जीवी तो हूं, कितना सुंदर दिख रहा हूं मैं जीवी तो हूं, ये शरीर वाला दिखाई दे रहा है, मैं जीवी तो हूं जिसका 60 किलो वजन है। अरे तू गुण भेद से पहचान क्या, आत्मा का वजन नहीं है, आत्मा में वेट नहीं होता क्या? अच्छा किसी उसके ऊपर क्या बोलते हैं, तराजू पर आत्मा को रखें तो कुछ वजन आएगा कि नहीं आएगा? वजन है कि नहीं? रखे कैसे? रखें बोलो। अच्छा कोई ऐसा कल्पना करें अपन कि एक सिद्ध परमात्मा को तोलना है अपने को, कि सिद्धों का वजन कितना है, आत्मा का वजन कितना है, तो तोल सकते हो कि नहीं? नहीं तोल सकते, आत्मा का कोई वजन नहीं है। आप कह रहे हो कोई वजन नहीं है, मैं कह रहा हूं तीन लोक में सबसे ज्यादा वजनदार तत्व है। वो वाला वजन नहीं, किलो वाला, वो किलो वाला वजन नहीं है क्या? किलो वाला वजन नहीं है, लेकिन वजन कितना है उस आत्मा में? उस आत्मा में इतना वजन है कि उस आत्मा की चर्चा मात्र से आप संकटों से बच जाते हो। इतना वजन है उस व्यक्तित्व में, उस पदार्थ में। आप जानते हैं कल जिस तरह की बात बतलाई थी ना मैंने, उड़स्थान में अरंत परमात्मा की चर्चा करते समय, जिनदेव की चर्चा करते समय कितना वजन है उनकी बात में, कि जिनेन्द्र देव की कही हुई बातें उनके कहने से छोड़ देने की बात कही थी ना इस तरह की कुछ मैंने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आई थी कि नहीं इस तरह की बात, नाम लेने मात्र से भक्तामर के श्लोक का हवाला देते हुए मैंने बात कही थी। आस्ताम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। हे भगवान आपकी चर्चा तो बहुत दूर की बात है, क्या आप उतर करके आओ, उसकी तो जरूरत ही नहीं है क्या?
आपका नाम लेने मात्र से काम हो जाता है। ऐसे कह रहे हैं कि आत्मा इतना वजनदार तत्व है कि आत्मा की अनुभूति होने पर तो कितने अतिशय होंगे, कितने चमत्कार होंगे, तुम सोच नहीं सकते हो। आत्मा अनुभूति होने पर क्या हो जाएगा तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। हम तो ये कह रहे हैं तुम विषय कषाय और आकुलता में, कहीं टेंशन में, कहीं हड़बड़ाहट में, कहीं किसी जगह पर ऐसी मुसीबत में फंस गए हो जिस जगह पर तुम्हारे को कुछ नहीं सूझ रहा हो और तुम्हें आत्मा का स्मरण मात्र भी आ जाए तो ऐसा वजनदार तत्व है कि इसे याद करते ही वो संकट भाग जाते हैं। इतना वजनदार तत्व है। तुमने नाम लिया ना उन संकटों के बीच में आत्मा का, भाई साहब इसका संपर्क तो आत्मा से, चलो चलो इसके साथ अपन कुछ नहीं कर सकते, इसकी पहुंच तो ऊपर तक है। रास्ते में यदि किसी गुंडे बदमाश लोगों ने पकड़ लिया तुम्हारे को और तुमने हवाला दिया, तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूं? और भैया तू वो है क्या? सॉरी नाम लेते ही छोड़ देते। ऐसे ही कह रहे हैं तुम्हारे को आकुलता हो रही है किसी चीज की, शरीर में वेदना हो रही है, तकलीफ हो रही है। अभी हम कह रहे हैं आत्मा का अनुभव नहीं, आत्मा याद आ गया तुम्हारे को, जीव तत्व याद आ गया तुम्हारे को, तो इतना वजनदार तत्व है कि तुम्हारी शारीरिक वेदना तुरंत गायब हो जाती है। ऐसा वजनदार तत्व है, उन गुण भेद से पहचानो तुम, ऐसी बात कह रहे हैं यहाँ। ये बहुत मार्मिक चर्चा है। जीव और अजीव को गुण भेद से जो जीव पहचान लेता है वो ज्ञानी है और इसी बात को मोक्ष का कारण कहा गया है। बहुत मार्मिक गाथा है, कल इसी से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को तो मात्र इन्हीं शब्दों से हम विराम देते हैं कि ये आत्मा की चर्चा हमारे दिलो दिमाग में गूंजती रहे, क्योंकि यदि ये गूंजेगी तो सर्व संकट मिट जाएंगे। ये संकट मोचन विधान चल रहा है।